ਦੀ ਨਮੋਸਤ ਤੇ ਚਰਨੋ ਕਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਮੰਗੇ ਚਰਨੋ ਕਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ मन में ये आस लगाए रंग संग तुम रो मन में ये आस लगाए रंग संग तुम रहो हमारे। कर दो मुझ पे एहसान हैप्पी बर्थडे वाले पावन चिंतन धारा तेरा बर्थडे मेरे भगवान बोलिए सतगुरुदेव भगवान की ये भजन मैंने रात को बना सभी से निवेदन है जल्दी जल्दी अपना स्थान ग्रहण कर लें और अपने मोबाइल फ़ोन एक बार री चेक कर लीजिएगा जो लोग अभी अंदर आ रहे हैं अपने मोबाइल फोन्स एक बार चेक कर लीजिएगा और अब सभी से निवेदन है थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे मैं निवेदन करता हूँ श्री गुरु जी के चरणों में कि वह हमें कृतार्थ करें श्री गुरु जी माँ भारती गुरु महाराज गुरु माँ के चरणों प्रणाम करता हूँ स्वामी जी के जन्मदिन पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ आप सभी लोगों का बहुत अभिनंदन कि इतने व्यस्त समय में और सर्दी भी पड़ रही है आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि दिल्ली के मुकाबले यहाँ टेम्परेचर तीन डिग्री कम रहता है तो अगर वहाँ तीन डिग्री होगा तो यहाँ ज़ीरो डिग्री हो गया होगा साथ ही एक निमंत्रण भी देता हूँ कि प्रसाद ज़रूर लेकर जाइएगा ये दिन सदा ही बड़ा विशिष्ट रहा और आप लोगों के प्यार ने इसको मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण बना दिया मेरा तो कुछ नहीं जो सु, जो कुछ है सो मैया का या गुरु महाराज जी का है स्वामी जी को भी उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त है और उन्हीं से वो है और हम भी इनसे ही हैं स्वामी जी के बारे में वर्षों से चर्चा हो रही है होती रहती है दरअसल धर्म और आज के भारत को स्वामी जी की बहुत आवश्यकता है उनके सिद्धांत समझने की आवश्यकता है हम जिस रूप को धर्म कह रहे हैं उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धर्म है ही नहीं हम कुछ परंपराओं को रूढ़ियों को गले में ओढ़ लेते हैं उससे फिर डरने लगते हैं और उसको हम धर्म कहने लगते हैं वह धर्म नहीं है उन परंपराओं और रूढ़ियों को यदि आप नहीं भी मानेंगे तो उससे कुछ होता नहीं धर्म डराने के लिए नहीं होता है धर्म जीवन को जीने के लिए होता है जीवन को एक तरीका बताता है कि कैसे जिया जाता है हिंदू समाज जिन रूढ़ियों में भय में बंध गया है कभी कभी उसे देखकर बड़ा दुख होता है क्या वास्तव में हमारे पास इतना फालतू समय है क्या हम वास्तव में धार्मिक हैं क्या हम भारत के जिसे हम कह देते हैं वो शायद मजाक ज्यादा उड़ाना है मानना कम है ऋषि मुनियों की परंपरा कभी सोच के देखिए क्या हम उस पर चलते हैं स्वामी जी के इस विशिष्ट दिन पर पूरे भारत में कार्यक्रम हो रहे हैं लेकिन बहुत थोड़े से लोगों को छोड़े तो क्या लोग वास्तव में स्वामी जी को जानते हैं या मानते हैं स्वामी जी तो बहुत बड़ी बात है मैं तो अपनी एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप में से कुछ लोग या बहुत सारे लोग मुझे भी जानते या मानते होंगे तो भगवान से डरेंगे नहीं बुरे काम से डरेंगे रूढ़ियों में फंसेंगे नहीं धर्म के मार्ग पर कर्म के मार्ग पर ज्ञान के मार्ग पर भक्ति के मार्ग पर चलेंगे स्वामी जी तो बहुत बड़ी शख्सियत है हम तो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं स्वामी जी को समझने की आवश्यकता है और जो युवा खास तौर से स्वामी जी को समझ गया वो अपना जीवन बदल लेगा आप सभी में बहुत सारे गुण हैं आप सभी में बहुत सारी पॉजिटिविटी है लेकिन भय या परंपराओं का निर्वहन मात्र कर देना उसकी वजह से वो दब जाता है तो जो भगवान से कुछ सीखने का समय है जो महापुरुषों से कुछ सीखने का समय है वह दीपक घुमाते हुए निकल जाता मैं ये नहीं कह रहा दीपक घुमाओ मत यह एक उदाहरण मात्र है उस चीज से हम इतना डर जाते हैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं यह मैं मानता हूं कि अचानक यदि मंदिर आपका डिस्टर्ब हो हु रहा होगा तो अच्छा नहीं है लेकिन अब आप इस पर एक और विचार को सुनिए और समझिए दखनेश्वर में एक बार पुजारी जी के हाथ से प्रतिमा गिर गई भगवान की तो देवी रासमणि जी ने जो रानी थी और जिनके कर्मों का प्रताप है कि वह मंदिर वहाँ बना उन्होंने बहुत सारे लोगों की एक बैठक की और सबने एक मत ये कहा कि ये प्रतिमा तो खंडित हो गई है अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता गुरु महाराज वहाँ थे उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपका बच्चा गिर जाए और उसका हाथ टूट जाए तो क्या आप उसे फेंक देंगे कोई नहीं करेगा करना भी नहीं चाहिए कर भी नहीं सकते तो प्रतिमा जिसमें बेसिक लॉजिक है प्रतिमा जिसमें हम भगवान को मानते हैं नहीं तो प्रतिमा की पूजा क्यों करनी प्रतिमा जिसमें हम भगवान को मानते हैं उसे फेंक देंगे सिर्फ इसलिए कि अब कुछ कि वो टूट गई और कितनी टूट गई यह भी नहीं देखा तो गुरु महाराज जी का क्रांतिकारी विचार आता है कि इसी को ठीक करेंगे फेंकना किस बात का बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बड़ा विलाप करने लगते हैं हाय हमारी मूर्ति टूट गई दूसरी जगह जाते हैं अरे देखो टूटी हुई मूर्ति की पूजा क्यों नहीं हो सकती टूटी हुई प्रतिमा की पूजा क्यों नहीं हो सकती अगर उसको जोड़ा जा सकता होगा तो अब बिल्कुल ही नहीं जोड़ा जा सकता तो एक अलग बात है। तो वो जनमानस जो अपनी प्रतिमाओं को अपने घर के चित्रों को पेड़ के नीचे तो रख देता है फेंक देता है पशु पशु के सामने पशु उस पर मूत्र त्याग करते हैं वह से, से बर्दाश्त है लेकिन उस प्रतिमा की पूजा करना उसे बुरा लगता है वहां उसे वहम घेरता है दरअसल ये अंधविश्वासी जो लोग हैं ये धार्मिक नहीं होते हैं ये पूरी दुनिया के डरे हुए लोग हैं या धूर्त हैं या मूर्ख हैं गुरु महाराज जी ने उस प्रतिमा को जोड़ दिया पुनर्स्थापित कर दिया करो पूजा उसकी और उसकी पूजा होती रही स्वामी जी ने अपने जीवन को कई रूप में देखा और यहां पर एक बहुत बड़ा संकेत मैं आपको देना चाहूंगा भारत का जो जनमानस है इसके लिए अंग्रेजी में शब्द आता है खासतौर से जो भक्ति वाला जनमानस है अंग्रेजी में एक शब्द आता है ऑप्सक्योरस्ट यह जनमानस क्या करता है कि धर्म के मामले में जरा सा भी विचलन से यह विचलित हो जाता है यह ठीक नहीं है सब चीजें समय के प्रवाह से चलती हैं यह हर व्यक्ति को उसके बॉक्स में टाइट कर देता है और उसको उसके बॉक्स से बाहर आने ही नहीं देता उसकी इमेज को कैद कर लेता है स्वामी जी जिनको आप सभी मानते हैं हजारों लाखों स्कूल उनके नाम पर हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट उनके नाम पर हैं कई देशों में उनका नाम आज भी गुंजायमान है उनके नाम पर दूसरे देशों में सड़कें हैं वह जीवन प्रारंभ करते हैं और एक छोटा सा बच्चे के रूप में वह सिया राम जी की पूजा करते हैं छोटा सा बच्चा लेकिन उस वक्त भी वो ध्यान करते थे उसके बाद सिया जी से उनका मन हट जाता है सब बच्चों का ऐसे ही होता है बड़ों का भी होता है ना इष्ट बदलते रहते हैं अब तो मैंने बताना ही बंद कर दिया इसलिए जहां जाते हैं वो इष्ट बन जाते हैं जो मंदिर में भविता दिखती है वहीं के इष्ट को इष्ट मान लेते हैं तो वो ब्रह्म समाज की ओर चल जाते हैं ब्रह्म समाज निर्गुण उपासना में विश्वास करता था और वो ब्रह्म समाजी रहते हैं और उसको लेकर बहुत सारे तर्क भी करते हैं अब सब लोगों को धर्म के नाम पर तर्क करने चाहिए क्या धर्म फाइनल हो गया किसी व्यक्ति ने कह दिया तो वो फाइनलिटी है क्या मैं भड़का रहा हूं सब लोगों को और आप भड़को क्योंकि जब आपसे आपके बच्चे पूछेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा तब आप क्या करेंगे भगवान के बारे में ऐसे बोलते हैं तो वो बच्चा भी आपसे किसी दिन क्या बैठेगा ये लो अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचाए ना हो उनके प्रोफेसर उनसे कहते हैं बाकी घटनाक्रम तो सब लोगों को पता ही है कैसे वो देवेन्द जी के पास जाते हैं कि आपने भगवान को देखा है उनके प्रोफेसर और ये प्रोफेसर एक ब्रिटिश प्रोफेसर है किसी को नाम याद है उनका उनके कहने से वो गुरु महाराज जी के पास जाते हैं गुरु महाराज जी सदा एक से थे दस लोग बैठे हों दस हजार लोग बैठे हों एक बैठा हो बीमार हो स्वस्थ हो सदा एक से रहे और सच्चा सन्यासी फक्कड़ ही होता है आप उसे कितना भी फ्रेम में जकड़ने की कोशिश करो वो अपना रास्ता निकाल के पकड़ हो जाएगा फिर से स्वामी जी उस वक्त ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में थे पैंट शर्ट वेल ड्रेस्ड अप, ये सारी चीजें उनके अंदर थी तो उन्हें गुरु महाराज पसंद नहीं आए आज भी लोगों को कहां पसंद आते हैं वो लोग जो कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं कभी उटपटांग कपड़े पहन के निकल जाते हैं है, स्मार्ट लोग चाहिए धर्म व्यास गद्दी पर बुद्धिमान बैठना चाहिए कि स्मार्ट बैठना चाहिए वो अलग बात है कि बुद्धिमान स्मार्ट भी हो तो उस वक्त उनकी वही मानसिकता है समझने की कोशिश कीजिए हर व्यक्ति का धीरे 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 इवोल्यूशन ऑफ माइंड होता है पहले दिन से कोई फाइनल नहीं होता पहले दिन से तो भगवान भी फाइनल नहीं थे उन्होंने भी सीखा मेरी इस बात से बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है प्रॉब्लम्स होती है लेकिन वो ठंडे दिमाग से सोचें और भगवान के चरित्र का अध्ययन करें तो वो समझ में आएगा उनको जो मैं कहना चाह रहा हूं तो उन्हें वो कहां पसंद आए आधी धोती ऊपर उगड़ा बदन कुछ भी नहीं यह वाला जो चित्र आप देखते हैं, ये तो स्वामी जी पीछे पड़ गए थे फोटो खिंचाने के चक्कर में ये इतना इतना उन्होंने धारण कर लिया अन्यथा तो उतना भी नहीं ऐसे घूमते नहीं, चप्पल है नहीं है चल दिए क्यों पकौड़ा खाना है चले जा रहे वो व्यक्ति जिसे दुनिया भगवान कहती है उस वक्त वहां आप लोगों से उनका अभी परिचय उतना नहीं है फिर उनसे एक दिन वो प्रश्न करते हैं कि आपने भगवान को देखा है कोई ना बेचैनी ना उत्तर देने की कोई उत्कंठा उत्कंठा क्यों हो देखा है तो देखा है बोले हां देखा है मैं तो तुमसे बातें करता हूं जैसे तुमसे कर रहा हूं यहां से एक इवोल्यूशन शुरू होता है आई एम कटिंग लॉन्ग स्टोरी इन टू शॉर्ट बहुत लंबी कहानी है धीरे धीरे सुनाता रहता हूं मैं कहानियां एकदम से नहीं सुनाता एकदम से जिस दिन सुना दी होती मैंने सात आठ साल पहले तो एक भी नहीं होता क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है देखिए भजन सुनने में आनंद आता है व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के भूल भाल के उसमें रम जाता है वेदांत पढ़ने में नहीं आता अनंत किसको जरूरत है ईश्वर की किसी को जरूरत नहीं है दरअसल सबको जरूरत है कुछ सांसारिक वस्तुओं की जो देने वाले का नाम ईश्वर है या आप अपने इष्ट कह लें इसलिए उसके पैर पकड़े रहता है जिस दिन उसे ये क्लियर हो गया ना उस दिन जिस दिन उसे यह पता चल गया अब ये नहीं देंगे पलट के ना जाए खैर वहां से एक इवोल्यूशन शुरू होता है और उनके अंदर एक परिवर्तन आना शुरू होता है कहा उनका घर कहां दक्षिणेश्वर दोनों में बहुत दूरी और उस वक्त के कोलकाता की बात कर रहा हूं आज के कोलकाता की नहीं कि स्मूथ सड़कें हैं बड़ी चौड़ी सी उस वक्त के कोलकाता की जब पोंटून पुल हुआ करता था वहां जिसपे महाराज जी भी फिसले एक बार हाथ तोड़ लिया था ये ले। यहां से वो समझना शुरू करते हैं चीजों को यू योगारूढ़ है गुरु महाराज उन्हें कहते तुम नारायण रूप हो ये गलत नहीं है अभी उतनी निटिग्रिटीज में मत जाइए सिंपल सिंपल सी कुछ बात स्वभाव में जिज्ञासा और जिज्ञासा को प्रदर्शित करने की शक्ति ये किसमें हो सकती है भक्त में हो सकती है क्योंकि उसको बाहर की दुनिया से आडंबर से षड्यंत्र से राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता वह उसमें फंसता ही नहीं है आवलोचिता ही नहीं है और यह व्यक्तित्व हर उस साधक को बनाना पड़ेगा जो साधना करना चाहता है भक्ति करना चाहता है नहीं तो ऐसे बहुत सारे काम हम रोज करते हैं झाड़ू लगाना कोई नहीं चाहता लगानी पड़ती है भारत में वही लोग अगर अमेरिका चले जाएं तो शायद ना लगावे क्योंकि वहां धूल नहीं है तो ठीक किसी तरीके से हमारी स्थिति इसी है इसीलिए गुरु महाराज एक बार बहुत उद्वेलित होकर बोले थे भगवान चाहिए किसे भगवान को रोकर पुकारता कौन है मतलब अंदर से आवाज की बात हो रही है यहां वैसे हा कर दी वो वाली रोना नहीं तो एक से एक बड़े कलाकार है अंदर से फूट पड़े वो रोना पुकारता कौन है किसी को कोई मतलब है नहीं धर्म की अधोगति जो हुई है धर्म की वजह से नहीं हुई है हम लोगों की वजह से हम लोग में मुझे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो सब हम सब सौ करोड़ तो यहां से उनमें एक परिवर्तन आना शुरू होता है और वो भगवान के स्वरूप को पहचानना शुरू करते हैं जब कोई मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना शुरू करेगा तो उसी में वो स्वयं को भी पहचान लेगा और तब समझ में आएगा कि वो जहां है दरअसल ये सब क्षण भंगुर है किसी भी दिन खत्म हो जाएगा और इसके बाद वो धीरे 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 अपनी एक स्ट्रेटेजी तय करते हैं जो आप सब लोगों को करना चाहिए हम लोग भगवान के दर पर जब जाने की बात होती है सत्संग की जब बात होती है ध्यान साधना की बात होती है हमारे पास कितने सारे काम होते हैं और घर पर हम क्या कर रहे होते हैं कुछ नहीं रील्स देख रहे होते हैं या कोई आके कहता पकौड़े बना मौसम बढ़िया है दरअसल वो, वो उत्कंठा ही नहीं है और इसीलिए हमारी कोई जीवन के प्रति स्ट्रेटेजी नहीं लक्ष्य में हमारे पास सिर्फ इतना है इतना पैसा इतने बंगले इतना ये ये बिजनेस वो बिजनेस सब एक झटके में खत्म होती हुई देखी है मैंने बड़े बड़े लोगों को टोपीदारों को खाक में मिलते देखा है 24 घंटे में लेकिन उसी के पीछे भागते हैं वो तो वैसे ही आ जाएगा मैं ये नहीं कहता वो नहीं होना चाहिए मैं ये अपेक्षा नहीं करता सब वैरागी हो जाएंगे वो नहीं हो सकते होना भी नहीं चाहिए इस धरती पर व्यापारी भी चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहिए साइंटिस्ट भी चाहिए शिक्षक भी चाहिए सब चाहिए सबको सब, सब। लेकिन जो महत् तत्व है जो प्रमुख उद्देश्य है उसमें ईश्वर होना चाहिए और उसकी सृष्टि होनी चाहिए इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए स्वामी जी एक स्ट्रेटेजी तय करते हैं अपने लिए अपने लिए हर व्यक्ति अपने गोल्स को खुद डिफाइन करता है जो नहीं करता वो सारी जिंदगी रोता है हम अपने गोल्स को पैसे के लिए डिसाइड करते हैं रोएंगे हम अपने गोल्स को मकान के लिए डिसाइड करते हैं ये तो पड़ाव है वैसे ही मिल जाएंगे मंजिल थोड़ी है हम अपने गोल्स को अपने घर के लिए डिसाइड करते हैं अपने सब लोगों के हिसाब से डिसाइड करते हैं लेकिन हम जिसके अंश हैं हम उसके हिसाब से डिसाइड नहीं करते यही दुख का कारण होता है और अध्यात्म में आप लोग कहते हैं ना कि ये लोग तो आश्रम भी जाते हैं ये लोग तो मंदिरों मंदिरों घूमते हैं ये लोग तो तीर्थाटन करते हैं फिर ये दुखी क्यों है दरअसल कुछ नहीं करते हैं वो वो सिर्फ टाइम पास करते हैं और कोई चीज कहीं नहीं मिल रही है तो वहां उसे लेने चले जाते हैं अगर घर में मिल रही होती तो यकीन जानिए देश के अंदर मंदिर और आश्रम होते ही नहीं जाले लगे हुए होते हैं। मैंने देखा है चीजों को और बहुत करीब से देखा स्वामी जी ने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट और इसे सबको सुनना चाहिए जिसमें पहली चीज थी अध्ययन जबरदस्त अध्ययन आप प्रैक्टिस करो आप सब पढ़ सकते हो प्रैक्टिस करना शुरू करो और जब आप पढ़ोगे तो आपके घर का माहौल अच्छा होने लगेगा आपके बच्चे सीखने लगेंगे बच्चा इंस्ट्रक्शन से नहीं सिखाया जा सकता इसके उसके दिमाग में कोई ऐसी बायोलॉजिकल ग्रंथि नहीं होती है वो डिमॉन्स्ट्रेशन से सीखता आप जैसे हो वैसे ही वो बन रहा है आप अगर घर में इसकी उधर उसकी उधर करते हो वो भी वही करेगा आगे जाके करेगा और आपके भी खिलाफ करेगा और फिर आप उसकी कुंडलियां लेके भागोगे ऐसा हो गया इसका उपाय बता दो उसका क्या उपाय है सारा रायता तो फैला दिया था बचपन में ही अब उसको आप कह रहे हैं कि 20 साल 25 साल बाद उसे समेट दो नहीं समटा जा सकता वो कहने की बात है नेगेटिव टेंडेंसीज वाले लोग पॉजिटिव संतान कैसे बना सकते हैं असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है जीरो से चौकोर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है गोल से ट्रायंगल त्रिभुज की उत्पत्ति कैसे हो सकती है नहीं हो सकती है आपके मन के भीतर के विचार भी वो बच्चा अपनी छठी इंद्रिय से समझ लेता है जब तक उसकी अवस्था पांच वर्ष नहीं पूर्ण हो जाते। यानी जो सबसे पहली ट्रेनिंग होती है किसी बच्चे की वो पांच वर्ष की अवस्था तक होती है और यही हम चूक करते हैं हमको लगता है बच्चा तो बोलना ही नहीं जानता सुनना भी नहीं जानता और उसके सामने इधर की उधर की ये ब्रांड वो फला दिमका ये सब करते रहते हैं वो वो वही सीख जाता है उसके बाद आप उसे नहीं बदल सकते वो फिर खुद ठोकर खा के बदलेगा ठोकर खाने दीजिए स्वामी जी इस बात को कहते थे कि आप जितनी ठोकर खाओगे उतना ही ज्यादा सीखोगे वो तो हजार ठोकरों की बात करते थे यहां पहली ठोकर में ही लगड़ाने लगते हम लोग डरे जाते हैं कंफर्ट जोन के लोग हैं दुनिया में जिन लोगों ने बहुत बड़े काम करके दिखाए वो सब अमीर नहीं थे स्वामी जी बहुत गरीब थे जिस पे नहीं होता तो उसे क्या अमीरी क्या गरीबी लेकिन जिस पे था वो उस वक्त के रईस लोगों में से एक थे तो जिस पे था वो जब गरीब होता है तब उसकी पीड़ा समझिए जिसपे नहीं है पहले भी नहीं था आज भी नहीं है कल भी नहीं होगा तो स्वामी जी ने वो पीड़ा देखी थी वो गरीबी देखी थी और उसको भाई बहनों पर निछावर कर दिया जिसमें उनका अपना भोजन भी होता था कई कई दिन बिना भोजन के पार्क में बैठे रहते थे आज भी बोसलेन है पार्क होगा नहीं होगा पता नहीं जाके देखेगा विधुनी क्षेत्र में दोस्तों के हां मेरी दावत है के वो चले जाते थे कोई दावत वावत नहीं थी दरअसल अपना खाना अपने किसी भाई बहन के काम आएगा ये सोच के वो घर से चले जाते थे क्योंकि घर में उतना खाना नहीं होता था गरीबी देखी थी और इसीलिए वो एक मुक्त और निर्भय सन्यासी बने ज्यादातर लोग भगवान की पूजा करते ही तब हैं जब दुख आता है दुख ना हो तो पूजा भी ना करे कोई स्वामी जी ने उस दुख में अपने लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई उसमें एक अध्ययन दूसरा ध्यान तीसरा गुरु महाराज की सेवा ये तीन नहीं छोड़े स्वामी जी की नानी थी रघुमणि जी रामतला करके वो पासमी क्षेत्र है वहीं पर बड़ी विदुषी महिला थी अब आप ये पूछेंगे अच्छा क्या क्वालिफिकेशन थी क्वालिफिकेशन से कोई विद्वान या विदुषी होता है ये तो खाम खामे कॉले हमें पढ़ा गया और हम कूदे फिर रहे हैं अभी तक कि हम इतने क्वालिफाइड हैं इतनी डिग्रीज हैं इतने सर्टिफिकेट्स हैं क्वालिफिकेशन वो होती है जो हम फील्ड में जाकर हासिल करते हैं और ये चीज उन्होंने माता जी को दी भुवनेश्वरी माता जी को आज कुछ मैंने उनके बारे में बोलने का और यह बहुत बड़ी सीख है सब लोगों के लिए भुवनेश्वरी माता जी की जो दिनचर्या थी वो सीधी स्वामी जी में उतरी और भुवनेश्वरी माता जी ने एक दिन कहा मैं सिर्फ माता जी कहूं तो समझ जाइएगा एक दिन उन्होंने ये कहा कि वो देर तक सो नहीं सकता जबकि उससे मिले हुए उन्हें कई महीने हो चुके थे वो युवा वो बालक इस बात को ध्यान से सुन ले जो थोड़ी थोड़ी देर में थक जाते हैं और चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं और फिर कहते हैं जीवन में बहुत बड़े काम करने कुछ नहीं होता तुमसे तुम दस साल बाद भी वही खड़े मिलोगे जहां दस साल पहले थे लिख के रख लो स्वामी जी तब भी माता का विश्वास देखिए स्वामी जी तब भी चार बजे बिस्तर छोड़ते थे दो बजे सोते थे रात में चार बजे बिस्तर छोड़ देते थे उसके बाद व्यायाम हम लोग बच्चे को किताब में दे मारते हैं हमारा बस चले तो किताब उसके आंख नाक कान मुंह पे चिपका के टेप लगा दे पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ो। खुद की दिनचर्या देखी है ऐसे पेरेंट्स ने जो बच्चों को कहते हैं पढ़ो 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 राम तो दशरथ के घर पैदा होंगे जनक जी जैसे विद्वान के घर सीता मैया आई थी आपको तो ये पता ही होगा मैंने कई बार बताया भी है उन्नीस जनक हुए हैं उसमें श्रद्धज नाम के जनक जो हुए हैं जनक एक पद भी है महान विद्वान और सम्राट को जनक बोलते उनके घर सीता मैया आती हैं सबके क्या नहीं आएंगे भुवनेश्वरी माँ तपस्विनी है भोजन तप कई -कई पानी पानी तक नहीं लेती मैं एक ऐसे इंसिडेंट बता रहा हूं एक बार क्या हुआ स्वामी जी जब बहुत बीमार थे जाने का समय हो गया था मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो बड़ा अजीब सा हो जाता है तो जब उनके जाने का वक्त हो गया था और उन्होंने ये समय जब वो तरकी निवास में थे तभी दे दिया था कि चार जुलाई और उसके बाद भी हरी भाई को बोला था कि चार जुलाई को जाएंगे जरा पत्रा में देखो कौन सी डेट अच्छी है बोले चार जुलाई तो चार जुलाई को जाएंगे हरी भाई को ये खुद नहीं पता था ये क्यों पूछ रहे क्योंकि काम हो चुका था काम होने के बाद फिर धरती पर रुकना यानी ईश्वर कोई प्रताड़ना देना चाहता है या तो ईश्वर काम दे और नहीं तो मुक्त करे काम करने के बाद भी यदि आप धरती पर हैं इसका मतलब कहीं कोई गलती हो गई वो महान थे उन्होंने अपनी डेट निकाल ली थी और उस वक्त में बहुत बीमार थे डॉक्टर्स ने कहा कि थोड़ी चीजें कंट्रोल हो सकती हैं एक शर्त है लेकिन बड़ी दवाइयों के पैसे उस वक्त भी नहीं थे उस विश्व प्रसिद्ध संत के पास ये पीड़ा देखिए हम लोग छोटी से दुख में बहाने बनाते हैं और फिर सोचते हैं इतने बड़े आदमी बनेंगे उतने बड़े आदमी बने कैसे बन जाओगे सिर्फ जोड़ तोड़ करके बन जाओगे टैलेंट से नहीं बनोगे और जो लोग टैलेंट से इतिहास में जाते हैं इतिहास में नाम दर्ज करा लेते हैं उनको कोई नहीं मिटाता वो अमर हो जाते हैं हनुमान जी गुण से अमर है कृष्ण जी गुण से अमर हैं शरीर तो करोड़ों के आए अरबों के आए और चले गए क्या फर्क पड़ता है स्वामी जी अपने गुण से अमर है तो डॉक्टर साहब ने कहा पानी जो है छोड़ना पड़ेगा तुम्हारे शरीर में पानी बहुत हो गया स्वामी जी ने कहा ठीक है छोड़ दूंगा जैसे सामान्य सी बात हो अच्छा ठीक है छोड़ दूंगा इक्कीस दिन पानी नहीं पिया अब सारे लोग बड़े चिंता में अब उनके साथ के लोग जो थे उनके मित्र वह तो जानते थे तो साधक है साधक योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है वह अपने आप को साधना जानता है स्वामी जी का मन उनके नियंत्रण में है तो किसी ने पूछा बाहर कि यह कैसे संभव हो पाया तो स्वामी जी बोले कि मुझे बचपन से माता जी ने यह ट्रेनिंग दी हुई है वो तो कभी कभी वो तो मतलब आए दिन एक एक पक्ष का पानी छोड़ती रहती थी एक पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष के मतलब चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह दिन जली नहीं पीती थी तो मेरे लिए यह कोई बहुत विशेष बात नहीं है इवन दिस वॉज टॉट बाई हिज मुद हाउ टू कंट्रोल यूर और हम अपने बच्चों को लग्जरी की तरफ लेके जाने में ही अपनी सफलता मानते हैं और जिस दिन वो बच्चा उसको लग्जरी नहीं मिली आपको नकार देगा नाउ यू आर नो मोर रिक्वायर्ड फॉर मी मना कर देगा आपसे और इसीलिए भारत में परिवर्तनकारी विद्वान अब उत्पन्न नहीं हो रहे हैं बहुत मुश्किल से ही कोई हो पाता है परिवर्तनकारी पढ़ के विद्वान बहुत लोग हैं भारत में कमी नहीं है ऐसे लोगों की बहुत बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत पढ़ा है लेकिन परिवर्तनकारी विद्वान स्वामी जी जैसा होता है जो सिस्टम की गलतियों को कहने की ताकत रखता है उसे बदलने की ताकत रखता है इसीलिए बड़े साइंटिस्ट नहीं हो रहे बाहर से टेक्नोलॉजी ले आओ तुम कहां मेहनत करोगे पेरेंट्स सिखा रहे हैं सिखा देते हैं तो फिर उसके अंदर जी जी विषा कैसे उत्पन्न होगी होगी जो मदर है इन्वेंशन की वो होगी नहीं स्वामी जी ने यह चीज सीखी पाओ में चोट लगी तो यह पाओ की प्रॉब्लम है मेरी नहीं मुझे राष्ट्रकार करना है हाथ में चोट लगी हाथ की प्रॉब्लम है मेरी नहीं मुझे मेरा काम करना है आंखों की जब उनके जो आईसाइट है वो वीक होने लग गई थी बहुत बुरी स्थिति आ गई थी और ये भी लगने लग गया था कि कहीं ऐसा ना आंखें चली जाएं क्योंकि हमने समय पर अपने सन्यासियों की जो वास्तविक सन्यासी हैं मदद नहीं की उन्हें दो रोटी नहीं दी और इसीलिए मैं जब भी सन्यासियों से संतों से मिलता हूं तो ये कहता हूं खेती करके खा लेना समाज पर निर्भर मत करना अपने आप को समाज भूखों मार देगा ये तुम्हारे पास इसलिए नहीं आता कि तुम्हें वेद वेदांत आते हैं पुराने आती हैं ये तुम्हारे पास इसलिए आता है कि तुम्हारे पास कोई इसे दिव्य शक्ति दिख गई है जिस दिव्य शक्ति से इसके घर में पुत्र पुत्री हो सकते हैं घर बंगला गाड़ी वना फला फल हो